हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम चमेली के पौधे के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अपने अनुपम सौंदर्य से और मनभावन खुशबू से हमारे घर आंगन को महका देने वाले इन चमेली के फूलों को कौन नहीं जानता। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपने मनभावन खुशबू से तरोताज़ा कर देने वाले यह चमेली के फूल दुनिया भर के बागानों में और लगभग सभी के प्लांट गैलरी में एक प्रमुख और स्थायी सदस्य का किरदार निभाते हैं। वैसे तो इन चमेलीज की या फिर इन जैस्मिन्स की दुनिया भर में लगभग 200 स्वीकृत प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से लगभग 40 प्रजातियां हमारे भारत में ही पाई जाती है, जिसमें से यह एक प्रजाति है और इसका वैज्ञानिक नाम जैस्मिनम सैम्बेक है, जिसमें लगभग 24 जेनेरा और 615 अलग अलग प्लांट स्पेसीज पाई जाती है। उसमें इन जैस्मिन्स की लगभग 200 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों, यह चमेली के या फिर जैस्मिन्स के पौधे दुनिया भर में इतने लोकप्रिय है कि हर एक व्यक्ति इन पौधों को अपने आंगन में लगाना चाहता है, क्योंकि इन फूलों से निकलने वाली मीठी मनभावन खुशबू सीधे इंसान के मन मस्तिष्क पर छा जाती है और हर प्रदेश में प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इन पौधों को बहुत से अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि मोगरा, चमेली, मेलाटी, जैम्बैक, सांपा गोईता, मदन मोगरा, मेलाती पुतीह, अरेबियन जैस्मिन, उड़पी मल्लिगे, मैसूर मल्लिगे, मैंगलोर मल्लिगे, भटकल मल्लिगे, अंबुर मल्लिगे, ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। जैसे कि हर नए प्रदेशों में इन फूलों को एक नया नाम मिलता है। मूल रूप से यह पौधे उष्णकटिबंधीय एशिया के मूल निवासी है, जिसमें प्रमुख तौर पर हमारे भारत का और भूटान का सीमावर्ती भाग इनके नेटिव लैंड में आता है। हमारे भारत के पूर्वी हिमालय का भूभाग इन पौधों का मूल निवास माना जाता है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लगभग साल भर खिलने वाले यह चमेली के पौधे झाड़ियों और बेलाओं के रूप में बढ़ते हैं। मैंने शूट की हुई यह चमेली की जैस्मिनम सैम्बेक प्रजाति एक झाड़ीनुमा किस्म है। इस पर खिलने वाले यह स्टार शेप्ड फूल बेहद सुगंधित होते हैं। गुच्छों में खिलने वाले इन शुभ्र सफ़ेद फूलों में पौधे की पोषण स्थिति अनुसार 3-4 की संख्या से लेकर 12-16 की संख्या में भी फूल खिलते हैं। इनके हर फूलों में इस तरह लगभग 12-16 शुभ्र सफ़ेद पंखुड़ियाँ होती है और इन फूलों का व्यास पोषण स्थिति अनुसार आधे से 1 इंच तक होता है। रात के समय में ही इनकी यह कलियां खिलने लगती है और कलियां खिलने के बाद अगले दिन शाम तक यह फूल खिले रहते हैं और इन फूलों का औसतन 1-2 दिन का जीवनकाल पूरा होने के बाद इस तरह फूल मुरझाकर पौधे पर ही कुछ दिनों तक रह जाते हैं। दोस्तों, यह चमेली के फूल वैसे तो गर्म ट्रॉपिकल जोन में लगभग पूरे साल खिलते हैं, लेकिन पृथ्वी के जिस भौगोलिक प्रदेशों में 3 ऋतु होते हैं वहाँ कड़ी सर्दियों के दौरान इन पर बहुत कम या फिर ना के बराबर ही फूल आते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में मतलब मार्च से मई तक इन पौधों पर प्रचुर मात्रा में फूल आते हैं और इन चमेलीज के फूलों की फ्लावरिंग लगभग अक्टूबर मंथ तक बरकरार रहती है। दोस्तों, लगभग पुरातन काल से इन चमेली के फूलों की हमारे भारत समेत पूरी दुनिया भर में व्यापारी तौर पर खेती की जाती है। साथ में इन चमेली के पौधों की 200 प्रजातियों में से 40 प्रजातियां हमारे भारत में ही उगाई जाती है, जिसमें से 20 प्रजातियां दक्षिण पूर्वी भारत में पारंपरिक प्रमुख फूलों की फसल के रूप में उगाई जाती है। साथ में इन 20 प्रजातियों में से प्रमुख 4 प्रजातियों की खेती हमारे भारत में विशेष रूप से की जाती है, जिसमें यह जैस्मिनम सैम्बेक प्रजाति शामिल है। साथ में अन्य 3 प्रजातियों में जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम, जैस्मिनम अरुकुलटम और जैस्मिनम मल्टीफोरम शामिल है। दोस्तों, यह प्रजाति झाड़ियों के आकार में बढ़ती है, इसलिए हमारे बागबानी में एक औसतन ऊंचाई में यह पौधे 3-6 फीट की ऊंचाई तक बढ़ते हुए पाए जाते हैं, लेकिन एक अच्छी देखभाल और पोषण स्थिति अनुसार यह चमेली की झाड़ियाँ 10 फीट की ऊंचाई तक भी बढ़ सकती हैं और 9-10 फीट की अंतिम ऊंचाई तक बढ़ने के लिए इन पौधों को 8-10 साल का वक्त लग सकता है। साथ में इनकी झाड़ियों को कटिंग या प्रूनिंग के माध्यम से एक मर्यादित आकार में हम सीमित भी रख सकते हैं। साथ में इन पौधों का फ्लावरिंग सीजन खत्म होने के बाद ज़्यादातर सर्दियों में हमें इन पौधों की कटिंग या फिर प्रूनिंग करनी होती है,
जिससे स्प्रिंग सीजन में नए शूट्स द्वारा इन पौधों पर प्रचुर मात्रा में फूल आते हैं, और साथ में कटिंग करने से इन पौधों पर आई हुई पुरानी कीट या फिर किसी भी डिजीज़ का प्रभाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि इन चमेलीज के पौधों पर वातावरण स्थिति अनुसार या फिर कम प्रकाश वाली जगह इन्हें लगाने पर घोंघे, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, फफूंदी जैसे रोगों का प्रभाव दिखाई देता है। शुरुआती समय में इन डिजीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए हम कुदरत के लिए हार्मफुल ना हो ऐसे किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नीम ऑयल या फिर शुद्ध देसी गाय के गोमूत्र का इन पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं। अगर यह डिजीज़ कंट्रोल के बाहर हो तो फिर हम रोगोर, हमला, क्विनोलफॉस, एंडोसल्फान या फिर बाविस्टिन जैसे फफूंदीनाशक दवा का केमिकल पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड को यूज़ करने से पहले हमें उसकी सही जानकारी और उसे इस्तेमाल करने से पहले पूरी खबरदारी लेना ज़रूरी होता है। और वैसे भी कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड हमारे लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी हानिकारक होते हैं। दोस्तों, इन चमेली के पौधों की पानी की ज़रूरत थोड़े से मध्यम प्रकार में आती है, मतलब इनकी जड़ों के पास इनकी मिट्टी में हमें एक आदर्श नमी मेंटेन करनी है। ज़्यादातर गर्मियों के दिनों में इन पर काफ़ी हेवी फ्लावरिंग आती है, उन दिनों में इन पौधों की पानी की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सर्दियों में और बरसात के मौसम में लगभग सभी पेड़ पौधों की पानी की ज़रूरत गर्मियों की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आउटडोर गार्डन में और पॉट्स में लगाए गए इन चमेली के पौधों की मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने के बाद हमें इन्हें पानी देना है, लेकिन जल भराव स्थिति से हमें बचना है। खाद के बारे में भी, इन चमेलीज के पौधों के जड़ों के पास अगर हम ऑर्गेनिक बेस रखते हैं, जैसे कि देसी गाय के गोबर से बनी हुई खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, सीवीड या फिर नीम की खली, ऐसी कोई भी जैविक खाद पौधों को प्राकृतिक रूप में बड़े लंबे समय तक समृद्ध और सशक्त रखने में उपयोगी होती है। साथ में ऑर्गेनिक खाद की तुलना में थोड़े से लो क्वांटिटी में एनपीके बेस केमिकल फर्टिलाइज़र भी इन पौधों को हम 1 से 2 महीने के अंतराल में इनकी जड़ों के पास दे सकते हैं। खासतौर पर इनके फ्लावरिंग सीजन के दौरान फॉस्फोरस बेस खाद इन पौधों को हमें ज़रूर देनी है। फॉस्फोरस युक्त खाद से पौधों पर प्रचुर मात्रा में फूल आने के साथ साथ फूलों की गुणवत्ता या फिर क्वालिटी भी सबसे बेस्ट रहती है। साथ में इन चमेली के पौधों को हमारे गार्डन में जिस जगह 5 से 6 घंटे की सीधी सूरज की रोशनी आती हो उस जगह इन पौधों को हमें लगाना है, और इसके लिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए सही लोकेशन होता है, और इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए सही लोकेशन होता है। दोस्तों, इन जैस्मिनम सैमबैक का प्रोपेगेशन इनके स्टेम कटिंग से हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्राकृतिक आवास में ही यह पौधे ब्लैकबेरी जैसे सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हमारे बागवानी में या फिर निजी गार्डन में एक बहुत ही मैच्योर पौधे पर इनके सीड्स हमें मिल सकते हैं, इसलिए इन पौधों को कटिंग्स या फिर लेयरिंग मेथड से ही प्रोपेगेट किया जाता है। वसंत की शुरुआत में और मानसून की बारिश में इन पौधों की कटिंग से इनके बेबी प्लांट्स हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। मानसून के दौरान वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होने के कारण इनके कटिंग्स पर शूट्स आने के लिए रूट हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में भी यह पौधा ज़्यादातर गैर विषैला है, क्योंकि इन फूलों की अत्यधिक सुवासिकता के कारण हमारे खानपान में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि चावल और चाय का स्वाद बढ़ाने में इन फूलों को इस्तेमाल में लाया जाता है। चाइना में इन फूलों से बनी चाय को चमेली की चाय या फिर जैस्मिन टी के नाम से जाना जाता है। साथ में इन फूलों की अत्यधिक सुगंध के कारण इन फूलों से निकाले गए तेल से उत्कृष्ट दर्जे का इत्र या फिर परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। इस जैस्मिनम सैमबैक फूलों की अत्यधिक मोहक सुंदरता और खुशबू के कारण फिलीपींस ने इसे अपना राष्ट्रीय फूल घोषित किया है। वहाँ इसे संपागोइता के नाम से जाना जाता है। साथ में इंडोनेशिया ने भी इसे अपना राष्ट्रीय फूल घोषित किया है, जहाँ इसे मेलाती पुतिह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह चमेली के फूल हम इंसानों से बहुत पुरातन काल से जुड़े हैं, क्योंकि इन चमेली के फूलों की महक या फिर इनकी मनभावन खुशबू का हम इंसानों के मनोव्यापार से बहुत नज़दीक का संबंध है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के दौर में हम इंसानों की रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी
और उसके कारण हमारे जीवन में आने वाला तनाव, चिंता, नैराश्य या फिर थकावट और उससे आने वाले डिप्रेशन के कारण हम कभी कभार मानसिक तौर पर रोगी बन जाते हैं। और ऐसे मेंटल डिजीज़ के इंटेंसिटी अनुसार हमें कभी कभार किसी मनोचिकित्सक से सलाह या फिर महंगी दवाई भी लेनी पड़ सकती है, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से हमारे दिमाग में जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है उसका एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे दिमाग में या फिर हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम के रसायन की एक्टिविटी का कम होना। क्योंकि डिप्रेशन को ख़त्म करके हमारा मूड फ्रेश करने में या फिर हमें उल्लासित करने में हमारे दिमाग में एक्टिव रहने वाला यह सेरोटोनिन नाम का प्राकृतिक रसायन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पुरातन काल से आज तक की एक डीप रिसर्च या फिर सखोल खोज के अनुसार इन चमेलीज के फूलों की प्राकृतिक रूप में फैलने वाली मनभावन खुशबू हमारे दिमाग में प्राकृतिक रूप से सेरोटोनिन जैसे रसायन का स्तर बढ़ाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, हमारे निजी जीवन में डिप्रेशन या फिर किसी भी अन्य रोगों का इलाज कभी कभी महंगी दवाओं से या फिर उपचारों से भी नहीं हो जाता, लेकिन कुदरत के ऐसे कई अनगिनत फूल, पेड़ पौधे हमें प्राकृतिक रूप से और प्राकृतिक पद्धति से ठीक कर देते हैं, क्योंकि इस कुदरत में सभी जीवों का एक दूसरे के साथ एक इंटरकनेक्शन है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमारे निर्माण के पहले से ही हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों को ध्यान में रखते हुए कई अनगिनत औषधीय पेड़ पौधों का निर्माण पहले ही किया है। इसलिए हमारे मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाला यह चमेली का कम से कम एक पौधा तो हर एक के प्लांट गैलरी में ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुदरत का एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।